प्रियंका ने बताया बेडरूम में किसने खींची थी उनकी तस्वीर। इंडिया में शादी करने की वजह भी बताई। प्रियंका चोपड़ा ने बता दिया है कि किसने बेडरूम में निक के साथ उनकी तस्वीर खींची थी और साथ ही अपनी शादी से जुड़ी कई बातों का खुलासा भी किया। प्रियंका चोपड़ा ने अपने बेडरूम की फोटो शेयर की है जिसमें वो अपने पति निक जोनस के बेहद करीब हैं। प्रियंका कई बार निक जोनस के साथ बिताए गए निजी पलों की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, लेकिन इस बार उनके ऐसा करने पर कुछ और ही हाल हुआ है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका सबूत है इंटरनेट पर वायरल हो रही तमाम तस्वीरें। और ऐसी ही एक तस्वीर एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा रही है, जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे पर फेक कपल। लेकिन प्रियंका के कुछ फैंस को ये फोटो पसंद नहीं आई। प्रियंका चोपड़ा की इस तस्वीर को उनके कुछ फैंस पसंद नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर फैंस इस बात को लेकर परेशान दिखे कि आखिर सेलिब्रिटी की ऐसी निजी तस्वीरें लेता कौन है। प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम पर एक यूजर ने लिखा, बेडरूम में फोटोग्राफर छिपा रखा है क्या। एक और यूजर लिखते हैं, शायद ये तस्वीर प्रियंका की मां ने क्लिक की होगी। प्रियंका चोपड़ा ने बता दिया है कि उनकी इस तस्वीर को किसने भेजा था। प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर से जिमी फैलिन के फेमस विदेशी टीवी शो द टुनाइट शो में शामिल हुई। प्रियंका पांचवीं बार इस शो में शिरकत की है। शो में प्रियंका ने अपनी शादी को लेकर कई ऐसे खुलासे किए हैं जो शायद ही लोगों को पता हो। जहां एंकर ने उनसे चर्चित सवाल पूछा कि यह खूबसूरत तस्वीर किसने खींची, इस पर प्रियंका ने जवाब देते हुए कहा कि क्या आप कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं और कोई क्यूट लम्हा कैद करने के लिए आपके दोस्त आपकी तस्वीर नहीं खींचते। यह एक तस्वीर मेरी कजिन बहन दिव्या ने खींची है। हम उस समय 8 लोगों वहां मौजूद थे। मैं सुपर बाउल देखते वक्त सो गई थी और उसने तस्वीर खींच ली थी। निक जोनस से शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा लगातार हॉलीडे मना रही हैं और पति के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। आजकल दोनों कैलिफोर्निया में विंटर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद प्रियंका ने अपने वेकेशन की फोटो शेयर करते हुए दी। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि वो अपनी शादी किसी निजी आइसलैंड पर करना चाहती थी, लेकिन निक जोनस इंडिया में शादी करना चाहते थे। वह मालदीव और मॉरिशस जैसे विकल्पों पर विचार कर रही थी, लेकिन हर बार एक सवाल जरूर सामने आता था कि सारी सामग्री और सब लोगों को उस जगह तक लेकर कैसे जाया जाएगा।